आज के इस वीडियो में हम टेली डेवलपर के अंदर कुछ दी गई फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं मेरे कर्सर को मूव कर रहा हूं और जगह जगह मुझे अंडरलाइन नज़र आ रही हैं। ये टेक्स्ट ब्लू हो जाता है और जगह जगह अंडरलाइन आती हैं। इसका क्या मतलब है? तो जहाँ भी आप अंडरलाइन देख रहे हैं उसका मतलब है कि उसकी डेफिनेशन टैली के अंदर पहले से लिखी गई है। अब वो डेफिनेशन मॉडिफाई करके भी लिखी जा सकती है, ओरिजिनल भी लिखी जा सकती है। अगर आपको वो डेफिनेशन देखनी है तो आपको इस जगह पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम जंप हो जाएंगे डेफिनेशन के अंदर। यहाँ ट्रायल वैलेंसी डो डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन में हैस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो मैं एक बार ओरिजिनल डेफिनेशन देखता हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं गो करूँगा तो ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। अब मुझे मॉडिफाई भी देखनी है तो एक बार दोबारा से मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा और अब यहाँ मॉडिफाई वाली डेफिनेशन सेलेक्ट करके गो करूँगा तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर बाद में कुछ हेल्प करके ऐड किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल क्लिक का क्या इस्तेमाल है। इसके अलावा दोस्तों, कंट्रोल क्लिक की सहायता से आप जो भी कंपोनेंट रिपोर्ट के अंदर हैं, ये जो एक फाइल है box.txt, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है और इन कंपोनेंट की अगर आपको डेफिनेशन हाइड करनी हो तो आप कंट्रोल के साथ इस माइनस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इन सब की डेफिनेशन हाइड हो जाएगी और अब आपको केवल कंपोनेंट दिखेंगे जिससे आप सीधे किसी भी कंपोनेंट पे पहुंच सकते हैं और उसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल इस कंपोनेंट की आपको डेफिनेशन दिख जाएगी। और दोबारा से आपको मेन रिपोर्ट पर आना है तो आप यहाँ पर आइए, फिर इसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो मूवमेंट थोड़ा ईजी हो जाता है कंट्रोल क्लिक की सहायता से। अब आप दोबारा से अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर तो ये फुल डेफिनेशन के साथ दोबारा आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि मुझे जो ये TDL है इसके साथ टैली को टैली डेवलपर से डायरेक्टली रन करना है। मैं चाहता हूँ केवल ये ही TDL मेरी टैली में रन हो और बाकी की TDL मुझे दिखाई न दें, तो ये कैसे संभव है? इसके लिए मैं इस फाइल को यहाँ माई वर्क स्पेस के अंदर देखूँगा, उसके ऊपर राइट बटन क्लिक करूंगा और एग्जीक्यूट टैली पर क्लिक करूंगा। शॉर्टकट इसकी Ctrl 5 है। आप देख सकते हैं ये TDL मेरी टैली में लोड होकर के टैली ओपन हो गई है। इस TDL का इंपैक्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे सैंपल रिपोर्ट आपको नजर आ रही है, इस TDL का इंपैक्ट है। तो ये सब कुछ मैंने कैसे किया टैली डेवलपर के अंदर, यदि आपके ये नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए। तो किसी TDL को डायरेक्टली टैली डेवलपर से रन करने के लिए आपको टूल्स के अंदर आना है और प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको कंपाइलर एजुकेशन ऑप्शन में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पाथ डाला हुआ है, इस वजह से ये मेरा काम कर रहा है। अब आप पाथ डाल सकते हैं, कैसे पाथ डालेंगे, यहाँ क्लिक करके आप फाइल की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ टैली का आपका आइकन होगा, उस पर आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है और यहाँ जो टारगेट के अंदर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास को छोड़ करके पूरा टारगेट कॉपी कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ये पाथ Ctrl V से पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपका यहाँ एग्जीक्यूट टैली क्लिक करने से वर्क करेगा, जैसे मैंने भी अभी आपको करके बताया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी लोग टैली डेवलपर सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।